हेलो सेवन्थ क्लास, चैप्टर फिफ्थ लाइंस एंड एंगल्स, एक्सरसाइज टू कर रहे हैं सी। सेवन्थ क्वेश्चन आज जैसे स्टार्ट करना, पिछलिया प्रॉब्लम्स दे वांगू इहदे विच वी असी एक्स वाई एंड जेड दी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, पर इहदे विच थोड़ा जिहा चेंज आ। असी सानू एक कंडीशन दित्ती हुई है कि असी वो प्रॉपर्टी यूज़ करनी है जिहदे विच दो पैरल लाइनज़ नू एक ट्रांसवर्सल लाइन कटदी है। सिर्फ वो प्रॉपर्टी यूज होनी है जिहदे विच दो पैरल लाइनज़ नू एक ट्रांसवर्सल लाइन कट रही है। आपां स्टेटमेंट पहलां ध्यान नाल पढ़दे हां। इन फिगर लाइन एल पैरल टू एम, एल लाइन ए वाली है, एम लाइन ए वाली है, ये दोवें पैरल लाइनज़ ने। एन इज़ ट्रांसवर्सल, ये एन लाइन आ, ये ट्रांसवर्सल आ जिहड़ी कि इन्हां दोवां लाइनज़ नूं कट रही है। उस तो बाद आप सानूं कहा गया कि फाइंड एक्स वाई जैड यूजिंग ओनली इट्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरल लाइनज कट बाय ट्रांसवर्सल, कि एक्स वाई जैड की वैल्यू फाइंड करनी है पर किनू यूज़ करके, सिर्फ वो प्रॉपर्टी यूज़ करनी है जिहदे विच एक दो पैरल लाइनज़ नूं एक ट्रांसवर्सल लाइन कट रही है। एक्स वाई जैड कित्थे ने, आपां एंगल देखते हैं। ए लाइन इहदे नाल एक्स एंगल बना रही है, ए लाइन इहदे नाल वाई, ए लाइन इहदे नाल जैड, ते ए लाइन इहदे नाल 120 डिग्रीज। उस तो बाद सब तो पहला साडी नज़र पैंदी है कि दो पैरल लाइनज, ये दो पैरल लाइनज ने, ट्रांसवर्सल लाइन कट रही है। 120 इज इक्वल टू वन एक्स, ये दोवें कॉरस्पोंडिंग एंगल बन गए ना। ये भी राइट हैंड साइड से उपर वाला एंगल, ये भी राइट हैंड साइड से उपर वाला एंगल ए लाइन के नाल बना रहा है जिहड़ा। 120 डिग्रीज इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 120 डिग्रीज, एक्स इज इक्वल टू 120 डिग्रीज बिकॉज कॉरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, इक्वल हो गए। एक्स की वैल्यू साढ़े को 120 आ गई, अभी 120 तो एक्स भी 120। उस तो बाद सानू देख रहा कि ये दो पैरल लाइनज़ नू एक लाइन कट रही है, तो ये राइट हैंड साइड तो लैफ्ट हैंड साइड उपर एक्स एंड जैड ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। इस करके जी जैड की वैल्यू कितनी आएगी, वो एक्स दे इक्वल होएगी। एक्स की कितनी सी 120, मतलब जैड इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 120, दोवें ही 120 डिग्रीज आवगे क्योंकि एक्स पहला ये इक्वल हो गया। एक्स एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 120, तो ये भी कितनी होगी 120, ये 120 सी, तो ये अल्टरनेट की भी 120 आ गई। इस करके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे ने। इस करके साढ़े को हूँ वैल्यू रह गई है वाई, तो जैड की फाइंड हो चुकी है, सॉरी जैड एंड एक्स की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। असं साढ़े को रह गई सिर्फ वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू वास्ते असी की करना कि दो पैरल लाइनज ने साढ़े को, उन्होंने एक ट्रांसवर्सल लाइन कट रही है। ये देखो इस लाइन के इको साइड के दोवें एंगल ने वाई एंड एक्स, वो भी दोवें पैरल लाइनज़ के अंदर अंदर, ये उत्ते ये नीचे दोवें लाइनज़ के अंदर अंदर ने, आ ट्रांसवर्सल लाइन के इको साइड पर ने, तो ये एंगल्स ने को इंटीरियर एंगल्स। तो इन्होंने जो असी एड करते हैं तो साढ़े को सम कि 180 डिग्रीज, मतलब एक्स प्लस वाई करांगे तो साढ़े को आएगा 180 डिग्रीज बिकॉज कोर्स को इंटीरियर एंगल्स एड्स अप टू 180 डिग्रीज। हुण असी एक्स प्लस वाई 180 दे इक्वल कर दिता। हुण एक्स की वैल्यू साढ़े को फाइंड हो चुकी, पहले चुकी साढ़े को 120 डिग्रीज, एक्स की जगह पर 120 डिग्रीज असी पुट कर देंगे, तो वाई प्लस वाई उस तरह रहेगा इक्वल टू 180 उस तरह रहेगा। हुण 120 इधर ऐड हो रहा, इतने साइन पॉजिटिव, इधर जाके नैगेटिव हो जाएगा, अब वाई अकेला अकेला रह जाएगा। 120 180 माइनस हो जाएगा राइट साइड से, इक्वल की राइट साइड से जाके फिर असी यह सबट्रैक्ट होना, वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 120, 60 डिग्रीज आ जाएगा। वाई की वैल्यू 60 डिग्रीज, एक्स 120 डिग्रीज, वाई 60 डिग्री, जैड 120 डिग्रीज। साढ़े को इस तरह एक्स वाई जैड तीनों दिया वैल्यूज़ फाइंड हो चुकी हैं। नैक्सट एट्थ क्वेश्चन असं देखना, ये एक फिगर दी है सानू, एल एम एंड एन ये तीनों लाइनस एक दूजे के पैरल ने, तीनों लाइनस। इन फिगर लाइन एल पैरल टू एम पैरल टू एन, ए लाइन ए पैरल, ए लाइन ए पैरल, मैं तीनों एक दूजे के पैरल ने लाइनस। हुण सानू एंगल वन, एंगल्स के नाम कि ए एंगल का नाम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सानू एंगल जड़ा वन, ए एंगल वन, एंगल वन की वैल्यू दी है 60 डिग्रीज। एंगल वन की वैल्यू 60 डिग्रीज सानू दी हुई है, असी इनू यूज़ करके 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे एंगल्स फाइंड करने। सानू सिर्फ वन की वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू पता वा 60 डिग्रीज,
ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਰਮਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੋਲਵ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਫਾਇੰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਗਲਸ, 1 = 4 = 7, 1 4 7 60 डिग्री, ਕਿੱਦਾਂ ਆ 1 4 1 4 7, ਇਹ 1, ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ 4, ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ 7, ਤਿੰਨੋਂ ਐਂਗਲਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਸ ਪੈਰਲਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ 1 4 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆ, 4 7 ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ 1 4 7 ਤਿੰਨੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਐਂਗਲ 1 4 7 = 60 ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਜੇ 60 ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ 60 ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੀ 60, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ 60 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲਸ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 1 4 ਨਿਕਲਿਆ, ਅਸੀਂ 3 ਦੇਖਣਾ, 4 ਅਤੇ 3 ਕੀ ਆ, ਐਂਗਲ 3 = ਐਂਗਲ 4 = 60, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ 1 60 ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਨਾਲ 60 ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਟਰਨੇਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ 60 ਹੋ ਗਿਆ, 3 = 4, ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ 3 = 4 ਆ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ 60, ਇਹ 60 ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਲਟਰਨੇਟ ਵੀ 60 ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 7, ਹੁਣ 7 ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ 60 ਸੀ, 60 ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ 60 ਸੀ, 60 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ 6, 6 = 7, ਇਹ ਵੀ 60 ਡਿਗਰੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, 6 = 7, ਇਹ ਵੀ 60 ਡਿਗਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਆ ਗਿਆ 3 6 9, ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇੰਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, 3 = 4, 3 ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, 60, ਅਤੇ ਇਹ 60 ਆ, 6 and 9, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਐਂਗਲਸ 60 ਡਿਗਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਓ ਇਹ 60 ਸੀ, ਇਹ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਨਾਲ 60 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਲਟਰਨੇਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਨਾਲ 60 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਦੇਖਿਓ, ਐਂਗਲ 3 ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇਹਦੇ 6 ਦੇ, ਇਹ 60 ਸੀ, ਇਹ ਵੀ 60 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ 60 ਹੋ ਗਿਆ, 3 6 9, 3 6 9 60 ਡਿਗਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਫਾਇੰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਾਇੰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, 1 ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਹੋ ਗਿਆ, 7 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ 3 6 9 ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਰਹਿ ਗਿਆ 2 5 and 8 ਐਂਗਲ ਫਾਇੰਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੇ 2 ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤਾਂ 5 and 8 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ, 2 ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਇੰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਹੁਣ 2 ਵੱਲ ਦੇਖਿਓ, 2 4 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ, 4 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 60 ਸੀ, ਹੁਣ 2 ਵੀ ਫਾਇੰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੋ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ 2 ਅਤੇ 4 ਦੋ ਐਂਗਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨੇ, 2 + 4 ਕੋ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ ਐਡ ਅਪ ਟੂ 180, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਂਗਲ 2 + ਐਂਗਲ 4, ਐਂਗਲ 2 + ਐਂਗਲ 4 = 180 ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਐਂਗਲ 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਫਾਇੰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਂਗਲ 4 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ 60, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 60 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ = 180 ਹੈ, ਐਂਗਲ 2 ਉੱਥੇ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਫਾਇੰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, 60 ਡਿਗਰੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਐਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਕੁਅਲ ਦੀ ਉੱਧਰ ਸਾਈਡ, ਉਸ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਾ ਕੇ 180 ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਐਂਗਲ 2 = 180 - 60, 120 ਡਿਗਰੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਫਾਇੰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਂਗਲ 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਇੰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਐਂਗਲ 2 ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆ 5, ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆ 8, 2 ਕਿੰਨਾ ਆ 120, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ 120 ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ 120 ਆਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ 2 5 and 8 120 ਅਤੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ ਤਿੰਨੋਂ ਐਂਗਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਸੀ ਤਿੰਨੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 1 ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਫਾਇੰਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 5.2 ਐਂਡ ਚੈਪਟਰ 5 ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 6th ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।